नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और अभी हम मौजूद हैं सासाराम के सड़कों पर। और आपको बता दें कि रात्रि के 9 बज रहा है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सासाराम में सड़कों का चौड़ीकरण का जो कार्य है काफी ज्यादा तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि सासाराम शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बहुत सारे फैसले लिए गए थे उनके द्वारा, जिसमें एक फैसला ये भी था कि सड़क को चौड़ीकरण कर दिया जाए। आपको बता दें कि इनसे जो बैठक हुआ था जिलाधिकारी द्वारा सासाराम शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए, उसमें एक फैसला ये भी था कि ये सामने सर्किट हाउस पड़ता है और सर्किट हाउस मोड़ से मतलब यहाँ से लेकर के पोस्ट ऑफिस चौराहा तक जो भी डिवाइडर बीच में कटा हुआ है सबको बंद कर दिया जाए, साथ साथ यहाँ का जो रोजा रोड है उसको वन वे कर दिया जाए, जो कि सब कुछ किया जा चुका है। अब आपको बता दें कि जिलाधिकारी महोदय ने जो सड़क का चौड़ीकरण का जो कार्य था उसी दिन बैठक में ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि 40 दिनों के अंदर ही ये कार्य पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कार्य रात्रि में इस वजह से किया जा रहा है ताकि जो दिन में अगर इस कार्य को किया जाता, सड़क का चौड़ीकरण किया जाता, तो हो सकता है कि दिन भर आवागमन करने वाले जो भी वाहन है उनके आवागमन में काफ़ी ज़्यादा बाधित होना पड़ता और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन को काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से मैनेजमेंट करके और रात्रि में इस सारे सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, ये काफ़ी सराहनीय है। अब चलिए हम सुन लेते हैं सासाराम शहर के लोगों को कि सड़क के चौड़ीकरण पर वे लोग क्या कहते हैं। जो सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, बतौर शहरवासी आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जब जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र जी यहाँ आए थे, मैंने फर्स्ट मुलाकात में ही मैंने उनसे कहा था कि सासाराम की समस्या जो सबसे बड़ी है वो यहाँ के सड़क जाम की है, आप इसे सुलझा लेंगे तो शहर की मैक्सिमम समस्याएं दूर हो जाएंगी। और उन्होंने वादा किया था कि हमको कुछ समय दीजिए और हम जो आप समय देंगे उसके अंतर्गत उस अवधि में हम इसे पूरा करके दिखाएंगे, और उनका वादा पूरा हुआ। उन्होंने सड़क जाम की समस्या दूर की और उसी क्रम में जो है सड़क की चौड़ीकरण करने का भी उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र जी को बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये तो प्रोजेक्ट बहुत पुराना था, लेकिन सासाराम के जो नए DM साहब आए हैं उन्होंने इसको बहुत जल्दी चालू कराया। इससे बहुत राहत है, जाम की समस्या ख़त्म हो गई है और लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अच्छापन। पहले धूल बहुत उड़ता था, सड़क कंप्लीट नहीं हुआ था, जब से इस पे अलकतरा हो गया धूल उड़ना भी कम हो गया है, बहुत राहत है। सड़कों की चौड़ीकरण जो हो रही है बहुत अच्छी बात है और इसके लिए बहुत ही धन्यवाद हम लोग आपके यहाँ शहर के जो जिलाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करेंगे। और ये जाम की स्थिति को देखते हुए बहुत ही सराहनीय कार्य है, लेकिन एक सुझाव हम लोग का यहाँ पे और भी रहेगा कि शहर की थोड़ी सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो सफाई और जो यहाँ पे कूड़ा कचरा चारों तरफ जो फैला हुआ दिख रहा है, ये सब भी सुंदरीकरण और सब स्वच्छ सासाराम के लिए हम लोग आगे कल्पना करते हैं। क्लीन सासाराम, ग्रीन सासाराम को मतलब इस तरह का कुछ आगे प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो जिलाधिकारी साहब, जिलाधिकारी महाशय को हम लोग एक अपनी तरफ से सुझाव देंगे कि इस पे भी विचार करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद, बहुत प्रयासों के बाद ये चीज़ हो रहा है। इससे शहरवासी जो है जाम की समस्या से छुटकारा मिल रहा है, लोग राहत की सांस ले रहे हैं। यहाँ से धर्मशाला जाने में जो 1 घंटे का समय लगता है, 5 मिनट में जा रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ऐसी होनी चाहिए। मौजूदा जिला प्रशासन के कार्यों से संतुष्ट है? बहुत अच्छी, बहुत दिनों बाद तो इस तरह का प्रोग्रेस का काम जो जिला में हो रहा है इसका हम वेलकम करते हैं। चौड़ीकरण तो अच्छी बात है, इससे यातायात भी सुचारू रूप से सही तरीका से चलेगा, लेकिन इसमें है कि गुणवत्ता मुख्य चीज़ है कि किस गुणवत्ता से ठेकेदार इसको बना रहे हैं उस पर सही तरीका से निगरानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गुणवत्ता सही नहीं रहेगा तो रोड जल्दी ख़राब होगा। तो चौड़ीकरण के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसकी गुणवत्ता पर भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और निगरानी रखी जाए। अभी आपने सुना सासाराम शहर के लोगों को, उन्होंने इस सड़क चौड़ीकरण पर अपना काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि व्यक्त किया और साथ ही साथ रोहतास जिलाधिकारी को, जैसा कि आपने सुना कि सभी लोगों ने उनके कार्यशैली से संतुष्ट दिखे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वे लोग ये सलाह दे रहे थे कि जो सड़क का चौड़ीकरण तो हो रहा है ठीक है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें हैं उसकी गुणवत्ता को एक बार जाँच कर लिया जाए ताकि जो अगर क्वालिटी सही रहेगी तो सड़कों का निर्माण सही से होगा और इसका ज़्यादा टिकाऊ भी होगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।